अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वलीद और इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं यूजिंग कीबोर्ड। जी हां दोस्तों, अगर आपका स्टार्ट वाला बटन काम नहीं कर रहा और आप अपने कीबोर्ड की मदद से अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहते हैं और आपको कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर को शट डाउन नहीं करना आता तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आप जो है वो कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या होता है, आपने तीन बटन दबाने होते हैं और जैसे ही वो तीन बटन दबाएंगे तो आपके सामने शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा। तो वो तीन बटन मैं आपको बता भी देता हूँ, लेकिन बाद बाद होता क्या है कि लोगों को वो तीन बटन मिलते ही नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको कीबोर्ड की जो फोटो है उससे आपको समझा देता हूँ कि कैसे जो है वो आप ये काम जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले से ही कंप्यूटर कीबोर्ड को मैंने जो है वो उसकी एक फोटो को जो है वो मैंने ओपन किया हुआ था। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए आपने करना क्या है। सबसे पहले तो आपने कंट्रोल का ऑप्शन ढूंढ लेना है, उसके बाद आल्ट का ऑप्शन ढूंढ लेना है और उसके बाद आपने डिलीट का ऑप्शन ढूंढ लेना है। इन तीनों ऑप्शन को जब आप ढूंढ लें तो आपने इन तीनों बटनों को एक साथ दबाना है। जब आप इनको एक साथ दबाएंगे तो होगा क्या कि आपके राइट साइड पे, यानी आपके राइट साइड पे नीचे की तरफ देखेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा और वो होगा शट डाउन का ऑप्शन। और जैसे ही आप उस शट डाउन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सिस्टम है वो ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। मैं हूं मोहम्मद वलीद, आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।